रिस्पांस मिला है मुंबई में आपको ट्रेलर को लेके, क्या कहना चाहेंगे पहले उसके बारे में बताइए, कितनी खुशी हो रही है कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है ट्रेलर को लेके स्पेशली और म्यूजिक को लेके। सबसे पहले मैं सब दर्शकों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, 2 साल 2.5 साल की तपस्या थी और उस तपस्या को लोगों ने बहुत पसंद किया है, सो मैं बस हाथ जोड़कर उनका सिर्फ धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑल्सो सर क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं लोगों को लेके, स्पेशली जो मोमेंट था आपकी मम्मी को लेके आना स्टेज पे, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है मैं देख रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे सर उस मोमेंट के बारे में? सी ये जो सपना सिर्फ मेरी माता जी ने ही दिखाया था, और जैसे हर एक बच्चे का एक सपना रहता है पूरा करने का, पर मेरा ये सपना था कि मैं मेरी माता जी का सपना पूरा करूं मेरे इस जन्म में, और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे वो सपना पूरा करने का मौका मिला। जैसे दुनिया में हर एक इंसान या हर एक लड़का अपना एक लक्ष्य पूरा करने की ताकत रखता है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंसान अपने माता पिता का लक्ष्य पहले करता है, मींस दैट इज अ ब्लेसिंग। ऑल्सो सर पुलिस के अवतार में दिखाई दे रहे, साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज भी है, थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि कितना कनेक्ट करेंगे लोग, और बॉलीवुड में हमने देखा है सिंघम दबंग ऐसे पुलिस ऑफिसर चुलबुल पांडे, ये किस तरह का पुलिस ऑफिसर होगा, और अगर थोड़ा सा शेयर करना चाहे अपने किरदार। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बॉलीवुड इज a platform where heroes are born, और तेलुगु सिनेमा इज अ प्लेटफॉर्म वेयर सिंघम या जो भी चुलबुल पांडे ये सब हीरोज बने हुए हैं, बट यस आहो विक्रम आर का एक ऐसा किरदार है जो जैसे बोलते हैं ना, जैसे ट्रेलर में बोलता है कि नासिर भाई ने भी सुना रहेगा, हीरो है या विलन पता ही नहीं चल रहा, तो ये जो किरदार है हीरो है या विलन है ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। ऑल्सो जब आप लोगों ने टीजर लॉन्च किया था एसएस राजमौली सर का जो ब्लेसिंग मिला था, सर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, इतने बड़े डायरेक्टर का ब्लेसिंग मिलना और ट्रेलर को सराहना, टीजर को सराहना, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया था, पर राजमौली साहब ने मुझे नाम दिया है, सो वो मेरे गॉडफादर है, और आई एम वेरी ब्लेस्ड क्योंकि इतना बड़ा आदमी और ही सो बिजी, ही डजंट हैव टाइम फॉर एनीवन, बट ही गेव अस दैट डे एंड ही मेड इट वेरी स्पेशल बिकॉज ही बिलीव्ड इन आवर फिल्म। राइट सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपने ट्रेलर देखा और ऑलरेडी बहुत सारी तारीफ सर को मिल चुकी है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन था आपसे जानना चाहूंगा? सबसे पहले तो मैं यहां हूं देव की सपोर्ट के लिए, ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, एंड मुझे बहुत खुशी है कि टुडे हिज फिल्म इज़ कमिंग आउट, एंड ट्रेलर भी देखा हमने, मैं आ नहीं पाया, आई वॉज़ बिजी शूटिंग, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ जस्ट फॉर अ सपोर्ट, जस्ट टू बी विथ हिम, जस्ट टू स्टैंड बाई हिम, बिकॉज जैसे उन्होंने कहा कि इनके माता पिता का आशीर्वाद है और उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये जो बात इन्होंने कही है ये बहुत अच्छी बात है, एंड इस पर मैं ये कहूँगा जैसे अवार्ड जंजीर वॉज फॉर बच्चन साहब, अवार्ड सिंघम वॉज फॉर अजय देवगन, एंड दबंग फॉर सलमान खान, आई एम श्योर दैट आओ विक्रम आर्का इज गोइंग टू बी दैट फॉर देव, बिकॉज आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ है, एंड राजामौली सर का हाथ आपके साथ है, पब्लिक आपके साथ है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी, तो फिल्म में ये हीरो है कि विलेन है वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन इंडस्ट्री में आप हीरो हो। अरे यू हैव अराइव्ड। थैंक यू नासिर, विक्रम आर का यू कैन टॉक अबाउट टाइटल कि कैसे ज़हन में आया कि इस तरह का टाइटल, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल? एक्चुअली जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे थे तो एक चीख रहती है, वो चीख एक किसी भी कॉमन इंसान को हो सकता है, जैसे कोई आम आदमी या कोई औरत को जब वो दर्द से कुछ चिल्लाता है या चिल्लाती है तो भगवान या खुदा एक फरिश्ता भेजता है, तो एक चीख है आहो विक्रम आर का, जैसे विक्रमादित्य राजा है हमारा राजा, या तो एक हीरो आता है या एक फरिश्ता आता है, तो इसीलिए वो टाइटल रखा है आहो विक्रम आर का, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तब आप सब लोगों को पता चलेगा व्हाई वी हैव केप्ट दिस टाइटल। ऑल्सो
बहुत ग्रैंड है, बहुत लेविश है, हमने देखा सेट भी बहुत लेविश था। आपके किरदार के बारे में हमें बताइए कि क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको इस किरदार में ढलने के लिए। क्या था कि 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयाली इंडस्ट्री में, मैंने वहाँ के दिग्गज सुपरस्टार मतलब लार्जर देन लाइफ हीरोज़ के साथ काम किया है, वेदर इट इज़ रजनीकांत साहब, रामचरण, विजय, मोहनलाल, दे ऑल आर वेरी बिग इन देयर ओन स्टेट्स। और जब मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा था 14 साल, मैंने जो विलन का काम किया ये सब स्टेट में, मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। और जब ये फिल्म लॉकडाउन के बाद जब ये स्क्रिप्ट हमारे पास आई, राजमुली सर ने जब उनको बताया कोटी को यू शुड टेक देवगिल क्योंकि वो पूना का रहने वाला है और कनेक्ट हो जाएगा समवेयर और द अदर। सो जो एज अ विलन लोगों ने मुझे देखा था, सो दिस टाइम माय डायरेक्टर डिडंट वांट दैट विलन विलनिश टू कम फ्रंट, ही वांटेड कि ये जो पुलिस वाला है ही शुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, बिकॉज साउथ के जो डायरेक्टर रहते हैं वो नहीं चाहते कि एक ऑफिसर शुड कम एंड से ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। एक पर्सनालिटी, एक बॉडी ऐसी रहती है कि जहाँ पर वर्दी या यूनिफॉर्म जो भी पहनता है लोगों को पता चलता है कि ये पुलिस वाला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पुलिस का ये था, और बाकी आप पिक्चर देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। Also, angry young man तो दिख ही रहा है हमें स्क्रीन पे, लेकिन क्या रोमांस का भी कोई एंगल होगा इसके अंदर, अगर कुछ शेयर करें आप? Yes, definitely, रोमांस भी है, हीरो है तो हीरोइन तो रहेगी। तो देर इज अर्चना सॉन्ग जो रिलीज हुआ था, इट्स ट्रेंडिंग, इट्स डूइंग वेल, बट द सिनेमा इज ऑल अबाउट इमोशंस, एक्शन लार्जर देन लाइफ। सो रोमांस इज इन वन स्मॉल मे बी फर्स्ट हाफ, बट द फिल्म गोज सुपर फास्ट। सो जैसे आप लोगों ने RR या कुछ देखा है, बाहुबली देखा है, जो हमारे डायरेक्टर है बेटा कुटी, सो दे ऑल हैव दैट जोन ऑफ राजमौली साहब, उनका एक पिच रहता है। तो रोमांस एक 15 मिनट रहेगा, एक्शन 70 मिनट रहेगा। तो जैसे भाई ने भी देखा है ट्रेलर या आप लोगों ने भी देखा है, एक्शन से रोमांस, हाँ ये देखो भाई ने सही वर्ड बोला है कि उस एक्शन में भी रोमांस दिखाई देगा। वैसी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि अब तक हमने जितने भी पैन इंडिया फिल्में देखी है, हिंदी तेलुगु तमिल सारी लैंग्वेज में रिलीज होती है लेकिन मराठी में नहीं होती है, ये फिल्म को मराठी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, क्या मॉरिशियन बॉय भी दिखेगा हमें इस फिल्म के अंदर? हाँ जी, सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है या नहीं, मैं पूना का रहने वाला हूँ और औंध मध्ये माझा जन्म झाला, म्हणजे मी प्रॉपर लोकल पुणे करे। और जब लॉकडाउन में मैं पूना आया था तो आई स्टार्टेड स्टेइंग इन पूना, और आई फेल्ट मराठी इंडस्ट्री कैन ऑल्सो बी लाइक साउथ इंडस्ट्री, आई एम नॉट कंपेयरिंग व्हाट इज बिग एंड व्हाट इज स्मॉल। तो मेरी माता जी ने मुझे जस्ट बोला, जो भी तुम करते हैदराबाद में या कर्नाटक में, what you do for people, why don't you do it for our own land? जैसे आप पूना के जन्मे हो तो पूना के जो लोग हैं, या महाराष्ट्र में कोल्हापुर सांगली इधर, there is lot of talent. अगर इनको एक platform पूना में मिल जाएगा तो वो pan India आ सकते हैं। And we had to work hard, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूना के बहुत दिग्गज actors को और कलाकारों, lot of technicians also from Maharashtra are doing this film, and which is a pan India film. Yes sir, जो हिंदी बेल्ट है वो मगधीरा देखी है और आपकी पहचान उससे बहुत ज्यादा है। लोग आपको पहचानते हैं मगधीरा से, बहुत खास पहचानते हैं, पर ये हम देख रहे हैं उसमें विलन का रोल है, इसमें आपने हीरो का रोल अदा किया हुआ है, तो वो भी हिंदी में आ रही है, मराठी में आ रही है, तो कुछ तैयारियां की क्या कुछ आपने सोचा कि भाई वहाँ हमने विलन का रोल किया है साउथ में और पॉपुलर है हिंदी में भी, सर आप यस, ये फिल्म में हीरो के लिए सी क्या रहता है, डायरेक्टर हैज़ अ विजन, और जो आज तक आपने देखा मधेरा में एक रूथलेस फेस, इसमें वो नहीं मिलेगा।
पर इसमें वो पर्सनालिटी जो ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टर ने की है, जो 14 साल आपने एज अ विलन मेरी बहुत सारी फिल्मों में देखा है, पर इस फिल्म में वो लुक नहीं रहेगा, पर अंदाज, बोलते हैं ना पुलिस अगर झुकता है तो वो डरता नहीं है, वो इज्जत कर रहा है, पर पुलिस जब ठोकता है तो बायोडेटा नहीं देखता, ये वो किरदार है। मीन्स यू नो, आपको जो भी आपने आज तक देखा है देव गिल को पर्दे पे, ही इज नॉट लाइक दैट, दिस सिनेमा इज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जैसे इन्होंने कहा कि वो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमने पहले भी देखा है प्राण साहब ने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया, अमरीश पुरी साहब ने भी लिया, एंड इवन विनोद खन्ना केम एज अ विलेन एंड देन खन्ना साहब बिकेम अ हीरो, इवन शत्रु साहब वॉज अ विलेन एंड ही ट्रांसफॉर्म इन टू अ हीरो। तो हिस्ट्री इज देयर एंड हिस्ट्री इज अगेन रिपीटिंग इटसेल्फ। नासिर भाई बहुत प्यार करते हैं, सो इसलिए तुम्हारे साथ बैठा हूं। सो फिल्म इज अबाउट टू रिलीज, क्या एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या फीलिंग है? येस, आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वसनेस भी है, बिकॉज आज तक लोगों ने सिर्फ, जैसे सर ने कहा है कि लोगों ने मुझे सिर्फ एज अ विलन देखा है, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन पीपल वॉच अस एंड विल दे एक्सेप्ट मी एज अ हीरो, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न था हमारे अंदर। बट ट्रेलर देखने के बाद या गाने देखने के बाद तो बहुत सारा प्यार मिला है मुझे तुम सब लोगों से। सो नासिर भाई, आपको क्या लगता है, पीपल विल एक्सेप्ट मी एज ए हीरो? या मैं कह रहा हूँ कि पीपल हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड यू एज ए हीरो, इसीलिए आप एज ए हीरो आए हो। अच्छा, ओके, थैंक यू नासिर। सो क्या अपील करना चाहेंगे ऑडियंस से, कुछ कहना चाहेंगे नासिर सर और देव सर? आइए फिल्म देखिए और इंजॉय कीजिए, बिकॉज लाइक ही सेड कि इसमें और ट्रेलर में आप सबने देखा है कि मसाला फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, एंड राजा मौली सर का जो एक फ्लेवर है, वी हैव कोटि सर एज द डायरेक्टर हु इज़ वर्क इन सच बिग फिल्म्स, तो इतनी सारी बड़ी फिल्मों का जो एक्सपीरियंस है, टेक्नीशियंस लेकर आए हैं, टीम लेकर आई है, ये खुद इनका एक 14 साल का एक्सपीरियंस रहा है प्रायर टू दिस, तो आई एम श्योर कि जितने भी लोग आएंगे फिल्म के लिए उनको हर एक सीन में और हर एक उसमें सब चीज़ देखने को मिलेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट एंटरटेनर। मैं तो खुद बैठ के सीटी और ताली भी मांगूंगा। नासिर भाई ने कुछ देखा है, पर आप लोगों ने, सब लोगों ने आरआर बाहुबली देखा है? देखा है। अच्छा, आरआर में एक इंटरवल सीक्वेंस था जहाँ पर एनटीआर जंप मारता है, वो एक पहचान छोड़ के जाता है। बिलीव मी, बेटा त्रिकोटी जो राजमौली सर के 30 साल से, उनकी पहली फिल्म से लेकर ट्रिपल आर तक, सिर्फ ही इज अ मैन ऑन दिस अर्थ जो राजमौली सर के साथ झगड़ा कर सकता, वो इंसान ने ये फिल्म बनाई है। और मैं आप सब लोगों को ये प्रॉमिस करता हूँ कि इंटरवल ब्लॉक में आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना नाम गूंजने वाला है ना थिएटर में, क्योंकि वो जो सीक्वेंस है लोगों को इधर छूने वाला है। और साउथ डायरेक्टर्स हैव अ विजन कि इंटरवल एक ब्लास्ट कर देते हैं, और वो इस इंटरवल में रहेगा। जब 30 तारीख को आप लोग देखेंगे, आप खुद कहेंगे इंटरवल ही इन्होंने फाड़ दिया, तो क्लाइमैक्स क्या रहेगा? तो मैं चाहता हूँ कि सभी, पूरी जनता, ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ जाइए 30 तारीख को, खास करके अपने माता पिता को लेकर जाइए, और इन्जॉय ऑन 30th आहो विक्रम आर। और सब जा सकते हैं, बिकॉज कितनी सारी लैंग्वेजेस में आ रही है। हाँ जी, जो जिन जो महाराष्ट्रियन थे तेला मराठी वगैरह से, जो 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 नॉर्थ के हैं उनको हिंदी देखना है, जो तेलुगु है वो तेलुगु देख सकते हैं, कन्नड़ा कन्नड़ा देख सकते हैं, तमिल तमिल देख सकते हैं। सी आई जस्ट एक्सप्लेन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सिनेमा, व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस सिनेमा? ये सिनेमा एक इमोशंस पे बना है, एक वर्दी पे बना है, और इसका जो आप देखेंगे, आप लोग अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं? करते हैं बहुत। जिसने कहा बहुत, बिलीव मी यू शुड गो, आप अपनी माता जी को लेकर जाइए, और आपकी माता जी आपको
बहुत ब्लेसिंग्स देगी और थैंक यू बोलेगी और बोलेगी अच्छा किया तूने मुझे ये अहो विक्रम आर का दिखाया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. नासिर भाई एक सेकंड, सॉरी गाइस. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक, बॉम्बे में क्या है, हम लोग हैदराबाद और पूना बैंगलोर ज़्यादा रहते हैं, तो बॉम्बे में मेरी एक फैमिली है, नासिर भाई, अली भाई, दे हैव स्टूड लाइक अ पिलर. इन्होंने मुझे बोला यू हैव टू कम एंड रिलीज योर ट्रेलर इन बॉम्बे. बिकॉज क्या होता है, हम लोग बहुत कम लोगों को जानते हैं. मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ, पर आज जब अली भाई और नासिर भाई के कारण मैं तुम सबको मिला हूँ, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि आई हैव मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम. आज जो इवेंट हुआ था दोपहर को भी, आप लोगों को अगर हमारी टीम से या थिएटर की तरफ से कुछ तकलीफ है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ. बिकॉज फॉर अस यू पीपल आर पार्ट ऑफ आर लाइफ. जैसे साउथ में एवरी मीडिया इज़ पार्ट ऑफ आर लाइफ, तो वैसे ही बॉम्बे में आप लोग भी मेरा एक हिस्सा हो. और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा है. आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लव यू गाइज. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू.